हेलो मेरे विद्यार्थी, मेरे भगवान, मेरे विनर, आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैं विपिन सिन्हा, आपका मेंटर, श्रेष्ठ इंग्लिश के क्लास से आज फिर से एक बार वोकैब सेक्शन को मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप एक पैसेज और लगभग आपके पास 20 क्वेश्चन पहला सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज का आप पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले एक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बड़ा ही बढ़िया लिखा हुआ पार्ट है कि हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। हम तब तक नहीं हार सकते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। यानी कोशिश छोड़ दीजिएगा तो हार जाइएगा, कोशिश करते रहिएगा तो आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं लिया है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसे मंद बुद्धि माना जाता था और बड़े कम बोलते थे अपने घर में भी, चाय बहुत गर्म होता था लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलते थे। चौथे साल में जब वो बोले कि माँ चाय बहुत गर्म है, तो माँ और बाप गर्म उस गर्म चाय के कारण खुश और दुख नहीं हुए, बल्कि वे बोला एक शब्द इसके लिए वह खुश हुए। यानी वह अल्बर्ट आइंस्टीन, जो मंद बुद्धि जिन्हें माना जाता था स्कूल में, इतने बार उसके शिक्षकों के द्वारा उसे मंद बुद्धि कहा गया कि उसके मन में बैठ गया कि मैं सच में मंद बुद्धि हूं। और होता क्या था कि स्कूल के पढ़ाई में इन्हें कहीं कोई मजा ही नहीं आता था। ये जो समझना चाहते थे इसके टीचर समझा ही नहीं पाते थे, ये अलग क्वेश्चन करने लगते थे, इसलिए इन्हें मंद बुद्धि कहते थे उनके टीचर। तो जब बार बार मंद बुद्धि कहते थे तो अब इनसे एक आध दिन रहा नहीं गया और इन्होंने अपने सर से पूछा कि मैं कब अपने इस मंद बुद्धि से अच्छे बुद्धि में आऊंगा, मेरा बुद्धि कब अच्छा होगा। पता है उनके टीचर ने क्या जवाब दिया? जब तुम अभ्यास करना सीख लोगे तो तुम मंद बुद्धि नहीं कहलाओगे। और ये बात उनको धर कर गया, अभ्यास करना ही सबसे बड़ा भाग है, तभी हम इस मंद बुद्धि वाले जो हमारे पास है उससे हम दूर हो जाएंगे। और उसने ऐसा अभ्यास किया कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ साथ कितने ही वैज्ञानिक तथ्यों को हमारे सामने लाया। जब वो रोड पर चलते थे, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि लोग उनसे पूछते थे कि सर इस ये कैसे हुआ, आप बताइए, आपने इतना बड़ा सिद्धांत दिया। अंततः उन्होंने कहना शुरू किया था कि नहीं, मैं अल्बर्ट, प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं हूं, कोई और है। यानी यहां तक उनको कहना पड़ा। तो इस तरह से हम तब तक नहीं हार सकते जब तक कि हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। जो कोशिश करना छोड़ देगा वह हार जाएगा। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक कोशिश करते हैं और एक अच्छे चीजों को अपने मस्तिष्क में लेकर हम लोग अपने वोकैब सेक्शन को अच्छा करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, एक पैसेज का शुरुआत होगा, पैसेज है आपके पास सेट नंबर 10 का। आइए पैसेज नंबर हम लोग पढ़ते हैं 10 के इस पैसेज को और देखते हैं कि क्या इस पैसेज में है। कहता सरिस्का नेशनल पार्क, SNP, सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ यानी जंगली, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? जंगली जीव जंतु से भरा सेंचुरी अभयारण्य। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? अभयारण्य। जहां पर पशु पक्षी को रखा जाता है ताकि वे अपने अच्छे जो उनका हैबिटेट है उसको वह माने उसके साथ जीकर वो अपनी संख्या को बढ़ाते रहे। कहता है लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 107 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर। ये कहां स्थित है? तो जयपुर में, और जयपुर नामक जो शहर है उससे 107 किलोमीटर दूर पर है। कौन है? सरिस्का नेशनल पार्क, जो क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां है? लोकेटेड एट 107 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर। जयपुर से 107 किलोमीटर की दूरी पर यह हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी जंगली जीव जंतुओं का अभयारण्य सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। द पार्क पजेसेस, इस पार्क में है क्या? पजेसेस का मतलब होना, पजेसेस का मतलब
रखना यानी होना, होना या रखना। इस पार्क में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक और मॉन्यूमेंट का मतलब स्मारक यानी यादगार चीजें, टेंपल्स वहां यादगार चीजों के अलावे टेंपल्स है, टेंपल्स बोले तो मंदिर है, विच डेपिक्ट का मतलब चित्रित करता है, चित्रित करता है द लिगेसी ऑफ महाराजाज ऑफ अलवर। लिगेसी विरासत, बहुत शानदार विरासत, हाँ लिगेसी का मतलब होता है शानदार विरासत, किसके द महाराजाज ऑफ अलवर, अलवर के महाराजाओं के विरासत के बारे में यह मॉन्यूमेंट बताता है, चित्रित करता है, यानी अलवर के जो राजा महाराजा थे उनके बारे में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इस हमारे सरिस्का नेशनल पार्क में बना हुआ है। द पार्क इज बिगर देन, यह पार्क ज्यादा बड़ा है रणथंभौर, रणथंभौर जो हमारा सेंचुरी है उससे ज्यादा बड़ा है, बट हैज अ सिमिलर टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है स्थलाकृति, यानी बनावट, मिट्टी, पहाड़ सब एक जैसा था, लेकिन दिस पार्क इज बिगर है किससे, तो रणथंभौर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दो, हालांकि, दो का मतलब क्या होता है हालांकि, दो का मतलब हालांकि, दिस सेंचुरी डज नॉट हैव मेनी टाइगर्स येट, इस सेंचुरी के पास, इस अभयारण्य के पास बहुत ज्यादा टाइगर्स नहीं है अब तक, येट माने अब तक, येट का मतलब अब तक। इस जो हमारा सरिस्का नेशनल पार्क है वहां टाइगर की संख्या ज्यादा नहीं है, मेनी वाइल्ड एनिमल्स ड्वेल ऑन यानी निवास करते हैं, कहता है कि टाइगर तो ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत सारे जो जंगली जीव जंतु है वह यहां निवास करते हैं। द ग्राउंड्स ऑफ दिस पार्क, इस पार्क के धरती पर, लैंड पर टाइगर तो थोड़ा बहुत है लेकिन अन्य बहुत सारे जीव जंतु इस पर निवास करते हैं। यानी हम किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, सरिस्का नेशनल पार्क जो जयपुर में स्थित है, रणथंभौर से बड़ा है, टोपोग्राफी में दोनों सेम तरह का है, बाघ की कमी है लेकिन अन्य जीव जंतु बहुत ज्यादा है। फिर है आपके पास अपार्ट फ्रॉम के अलावे, अपार्ट का मतलब क्या हुआ के अलावे, अदर कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी, मांसाहारी जीव जंतु, एंड हर्बीवोरस शाकाहारी, शाकपात खाने वाला शाकाहारी, अपार्ट फ्रॉम अदर कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस यानी वहां मांसाहारी जीव जंतु भी है, शाकाहारी जीव जंतु भी है, लेकिन उनके अलावे यू कैन ट्रेस, आप देख सकते हैं, आपको साक्ष्य मिल सकता है, ट्रेस का मतलब साक्ष्य मिलना, साक्ष्य मिलना, आप ट्रेस कर सकते हैं रेसस मंकीज, जो रेसस मंकीज है उसको आप वहां पा सकते हैं, विच कैन यूजुअली बी सीन प्लेइंग ट्रिक्स,
चालाकी उनमें आप देख सकते हैं, आपस में कैसे चालाक चालाक खेल खेलते हैं, यानी ट्रिक का मतलब चालाकी, ट्रिक का मतलब क्या हो गया चालाकी, विच कैन यूजुअली बी सीन, दिने देखा जा सकता है, वे चालाकी भरा खेल खेलते हैं अपॉन ईच अदर, एक दूसरे से, ईच अदर का मतलब क्या हुआ एक दूसरे से, एक दूसरे से वे ट्रिक ट्रिक खेलते हैं अराउंड द टैड ब्रिज, ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़ उसी को कहते हैं पाम ट्री, पाम का मतलब ये होता है ताड़, वही ताड़ को, टैड को हम लोग ताड़ ताड़ कहते हैं, ताड़ वृक्ष पाम ट्री, यानी कहता है कि वहां जो सरिस्का नेशनल पार्क में जो ताड़ का वृक्ष है वहां पर बहुत सारे मंकी, जिसका कौन सा है तो रैसस मंकीज है, वो आपस में ट्रिक ट्रिक खेलते हैं, चालाकी भरा खेल खेलते हैं। आगे है द पार्क ऑल्सो शेल्टर्स, द पार्क ऑल्सो शेल्टर्स, शेल्टर माने आश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं, यह पार्क आश्रय देता है मेनी डिफरेंट स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, स्पेसीज का मतलब जाति, चिड़िया का बहुत सारा जाति भी यहां पाया जाता है, चिड़ियों के बहुत सारे जाति यहां पाए जाते हैं इंक्लूडिंग बुश क्वैल्स, बुश क्वैल्स भी पाया जाता है, यानी यहां पर क्वैल भी पाया जाता है जिसको बटर कहते हो तुम लोग, क्या इसको कहते हो बटर, जो जो बटर तीत बटर जो होता है ना इसको कहते हैं बटर, ते ते बोलते रहता है, सैंड ग्राउजेज बालू में पाया जाने वाला जानवर, ट्री पीस वृक्ष पर रहने वाला छोटे 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 जीव, गोल्डन बैक्ड वुड पेकर्स, गोल्डन उसके पीठ पर गोल्डन पूरा यानी उसका पीठ जो है सुनहरा होता है, और वुड पेकर का मतलब कठ फोड़वा, कठ फोड़वा जिसका चोच इतना नुकीला होता है कि वह अपने जो पेड़ है उसके उसको फोड़ फोड़ कर खा लेता है। कहता है कि ये जो हमारा राइसोस मंकीज के अलावे इस सरिस्का नेशनल पार्क में बहुत सारे पक्षी भी रहते हैं, और उस पक्षी में क्या है बुश क्वेल्स है, सैंड ग्राउजेज है, ट्री पीस है, गोल्डन बैक्ड क्या है भाई आपका वुड पेकर है यानी कठफोड़वा है, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल्स मुड़ा हुआ ईगल है, मुड़ा हुआ ईगल है चील जैसा पक्षी, एंड ग्रेट इंडियन हॉर्न्ड आउल, आउल का मतलब उल्लू, यानी यहां भारतीय उल्लू भी पाया जाता है, बड़ी मात्रा में पाया जाता है, एनिमल लवर्स जो एनिमल को प्यार करते हैं, एनिमल से जो प्यार करते हैं उनके लिए यह पार्क और भी बढ़िया है, क्योंकि बर्ड है एनिमल है मंकीज है बहुत सारे हैं। कहता है जो एनिमल लवर्स है वुड डेफिनेटली निश्चित तौर पर लव दिस प्लेस, इस सरिस्का नेशनल पार्क को बड़े प्यार करते हैं, एज इट विल ऑफर देम सम ऑफ द बेस्ट सीन्स टू रिमेंबर, ये एनिमल लवर्स को क्यों इतना ज्यादा पसंद है हमारा सरिस्का नेशनल पार्क जो रणथंभौर से बड़ा है, हालांकि रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क का टोपोग्राफी सेम है, यहां पर राइसस मंकीज पाए जाते हैं, क्वेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, और यहां पर जो इस प्लेस को जो आते हैं एनिमल लवर उन्हें बड़ा ये प्लेस पसंद आता है, क्योंकि ये उन्हें देता है सम ऑफ द बेस्ट सीन्स टू रिमेंबर, ऐसे ऐसे दृश्य है वहां जो वो याद रख पाते हैं, द बेस्ट
प्लेस टू स्पॉट वाइल्ड लाइफ द बेस्ट स्पॉट. स्पॉट का मतलब क्षेत्र हुआ, क्षेत्र माने ढूंढना, क्षेत्र को ढूंढना. वाइल्ड लाइफ इज एट वाटर होल्स. जब ये एनिमल लवर्स यहां पर आते हैं तो उन्हें एक अजीब सा जमीन में वाटर होल्स मिलता है, यानी कई जगह पर से छेद नुमा, पानी में छेद नुमा आकृति मिलता है. क्या करता है ये? वेयर एनिमल्स कम टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट. थर्स्ट का मतलब क्या होता है जी? प्यास. जहां पर ये बहुत सारे एनिमल्स आते हैं और उसके पानी को पीते हैं, यानी एक ही जगह पर बहुत सारे होल बना हुआ है जो पानी के स्रोत से मिलता है और एनिमल वहां पर आकर पानी को पीकर अपना प्यास बुझाते हैं. यू कैन ट्रेस हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स. आप वहां पर देख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, यानी कई एक सौ पक्षी. आप कई एक सौ पक्षी का वहां पर अवलोकन कर सकते हैं एट द काली घाट वाटर होल. उस काली घाट वहां पर उस वाटर होल में एक प्रसिद्ध का नाम क्या दिया? काली घाटी वाटर होल. काली घाटी वाटर होल में बहुत सारे सैकड़ों पक्षियों को देख सकते हैं. एंड नील गाय जो जानवर है कैन बी स्पॉटेड एट सैलुपका वाटर होल. यानी नील गाय कहां मिलेगा? तो मिलेगा सैलुपका में. और वर्ड कहां मिलेगा? तो मिलेगा काली घाटी में. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आपका एक पूरा का पूरा सरिस्का नेशनल पार्क के बारे में ये पूरा कहानी बताया, जो हमारे जयपुर में है, 107 किलोमीटर शहर से दूर है. ये रणथंभौर से बड़ा है. यहाँ मंकी भी है, पक्षी भी है, और जो एनिमल लवर है उनके लिए बहुत बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा सीन यहाँ पर ये याद रखने योग्य देता है. यहाँ तक कि यहाँ का सबसे खूबसूरत चीज क्या है? तो वाटर होल. क्या कहता है वाटर होल? बहुत सारे जगह पर से पशु पक्षी आकर इसके पानियों को पीते हैं. दो का नाम दिया, काली घाटी जहां सैकड़ों पक्षियां आते हैं पानी पीने के लिए, और नील गाय आते हैं कहां? तो सैलुपका वाटर होल में. तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पैसेज हुआ. अब इस पैसेज के आधार पर हमारे पास पांच क्वेश्चन आएगा. मैं समझता हूं कि आपसे बन जाना चाहिए. जरा सा देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए. इन द सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क में देयर आर, क्या है देयर आर? कहता है नो कार्निवोरस. अरे नो का मतलब ये, नो का मतलब नहीं है कार्निवोरस. अरे सरिस्का में तो कार्निवोरस और हार्बीवोरस दोनों है, इसलिए ये गलत हो गया आपके पास. ओनली कार्निवोरस, केवल मांसाहारी पशु रहते हैं, ये भी गलत हो गया. ओनली हार्बीवोरस, केवल शाकाहारी पशु रहते हैं, यह भी गलत हो गया. यानी बोथ कार्निवोरस एंड हार्बीवोरस लिव देयर, दोनों वहां रहते हैं. तो दोनों का हमारा क्या होगा? नंबर होगा चार, है ना? यानी पहला का उत्तर बन गया चार नंबर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ये दो नंबर. आइए देखिए दो नंबर में क्या कहता है. बोलो जी दो नंबर का. कहता सरिस्का नेशनल पार्क इज नॉट फार फ्रॉम, कहां से ज्यादा दूर नहीं है. पहला मेवाड़, कहां है तुम्हारा मेवाड़? कहीं देखा है जी इस पैसेज में? नहीं देखा, नहीं होगा. दूसरा कहता है आपके पास जयपुर, ये तो लगता सही है. जोधपुर नहीं होगा, रायपुर नहीं होगा, यानी उत्तर नंबर क्या होगा? दो नंबर होगा. और क्या होगा? हाँ, जयपुर के से ज्यादा दूर नहीं, 107 किलोमीटर तो है ही है. आगे नेक्स्ट है आपके पास तीसरा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा. कहता है द पार्क पजेसेज, इस पार्क में क्या है? ये जो हमारा सरिस्का नेशनल पार्क है इसमें क्या है? पहला है मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स, कहीं पर फोर्ट का, फोर्ट माने किला.
ये किला के बारे में बोला है? नहीं, यानी ये नहीं होगा। टेम्पल्स एंड रैमपार्ट्स, रैमपार्ट्स जहां पर दिखाया जाता है, शो किया जाता है, जिसमें बहुत सारा हीरो हीरोइन लोग चलते हैं उस पर, तो ये रैमपार्ट का तो इसमें बातें नहीं है, यानी इसके इसका यह भी नहीं होगा। मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स, ये तो बात सही है भाई, स्मारक और वहां पर टेम्पल्स हैं, बात तो सही है, अलवर में ये है, और मॉन्यूमेंट्स एंड रैमपार्ट्स, रैमपार्ट्स होगा नहीं, इसलिए उत्तर मेरा क्या होगा, नंबर 3। आसान है, एकदम आसान है। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आइए। एनिमल्स कम टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट एट अ, एनिमल कहां आते हैं पानी पीने के लिए? पानी पीने के लिए कहां आएगा? पहला बोरवेल, जमीन के अंदर छेद है उसमें, अरे वाटर होल, तो सीधा सीधी इसका उत्तर होगा जी। हाँ, सीधा सीधी क्या होगा, वाटर होल में आते हैं पानी पीने के लिए, यही तो वहां का देखने योग्य चीज है। आगे नेक्स्ट है पांचवा नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, द सैंड ग्राउज इज ए स्पेसीज ऑफ, किसका स्पेसीज है ये आपका सैंड ग्राउज? अरे चिड़िया का है, चिड़िया का ना है जी, यानी इसका उत्तर कौन सा होगा, नंबर 3। चिड़ियों का ही ये सैंड ग्राउज है, वुड पेकर है, क्वेल्स है, तीतर बटर वाला, तो ये आपका पूरा का पूरा पैसेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का 5 में 5 मारना है। क्वेश्चन जब आपके पास आपके एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं तो लगभग हम छोड़कर चलते हैं, जब एक बार बढ़िया से पढ़ाई कर लोगे तो क्यों छोड़ोगे, तुम्हें समझ में आने लगेगा, तो इसके क्वेश्चन आसान है और एक पैसेज पर 5 क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आगे है, अब आपके पास आ रहा है सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड। चलिए जरा देखिए भाई, ये सिनोनिम है, कैसे कैसे क्या होगा, आप जरा एक एक करके आप पढ़ते चलोगे। पहला है आपका बार्गेन, बार्गेन, बार्गेन का मतलब होता है मोल तोल करना। हाँ, बार्गेन का मतलब होता है मोल तोल करना, नहीं समझते हो तो मोल भाव करना, मोल भाव किया, 10 रुपए में दोगे ना, हम 8 रुपए में लेंगे, तो ये हो गया मोल भाव करना। लड़की लोग मोल भाव नहीं करती है, ये लड़कों के जिम्मे रहता है। अगर लड़की सपोज करो शादी के बाद उसको साड़ी खरीदना है, तो एक साड़ी जिसकी कीमत लड़का लोग जानता है कि बहुत ज्यादा 200 रुपया होगा, लेकिन लड़की उसको खरीदना ही नहीं चाहेगी, जब तक उसका दाम 2000 के ऊपर ना हो, उसी साड़ी में 4 तरह तरह के पट्टी लगा देगा और उसी साड़ी को दे देगा और लड़कियां उसको पसंद कर लेंगी। लड़की लोग बुरा नहीं मानना, तुम लोग को बुद्धि ऐसे ज्यादा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, करना भी चाहिए, जब अपना पैसा लगे तब ना मोल भाव होगा। चलिए आगे नहीं बोलेंगे, तो इसका होगा क्या भाई, देखो नेगोशिएट करना, नेगोशिएट का मतलब होता है मोल भाव करना। हाँ, मोल भाव करना, डिस्प्यूट माने विवाद, डिस्प्यूट विवाद, झगड़ा। सरप्लस अधिक होना, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। और बोनस माने, बोनस माने अतिरिक्त आय, इसको कहते हैं अतिरिक्त आय, ठीक है भाई, बोनस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लोग को मिलता है। तो आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, आइए आप और हम दोनों मिलकर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखे क्या है, सफल वर्ड है, सफल, सफल का मतलब लचीला, कोमल, क्या होता है लचीला, कोमल, ठीक है भाई। रिजिड का मतलब कठोर, फ्लेक्सिबल जो इसका अर्थ है लचीला, हार्ड माने कठोर, कड़ा, और राउंड का मतलब
गोल, गोल घंटाल है। चलिए भाई, तो ये रहा सपल का अर्थ, हो गया आपका उत्तर दो नंबर। देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग जब लिखते हैं डिलीट करते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो आपके सामने बहुत सारे लोग रहते हैं, और अपनी जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो बहुत लोग देखते हैं, जिसे मैं भी देखता हूं, और आप ऐसी बातों को ना करें जिससे हमें आप पर कार्रवाई करना पड़े। आप सब मेरे प्रिय हैं, लेकिन जब सर के ऊपर पानी चढ़ जाएगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। आप एक मुफ्त के चीज को आप पढ़ रहे हो, जहां उसे आप इसी तरह से लोगे तो जीवन में कभी तरक्की नहीं मिलेगी। तरक्की पाने के लिए वो जो अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन था, वो करना पड़ेगा, कोशिश करते रहना पड़ेगा, तभी जीतोगे। और कोशिश में आपको अगर लगता है कि ये हमारे पास ये फ्री पढ़ रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, तो आप मत पढ़ो। मैं कहता हूं दो लोगों को पढ़ने दो, अगर लोग इसमें आ रहे हैं उन्हें कुछ फायदा नजर आ रहा होगा तभी आ रहे हैं। इसलिए सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है, आपस में एक कॉम्पिटिटिव भावना रखें, कौन पहले उत्तर दिया, कौन सही उत्तर दिया, यह रखें, आपके लिए निहायत आवश्यक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका आठ में आइए। चलो जी देखो, रोबस्ट, रोबस्ट माने मजबूत करना, रोबस्ट का मतलब मजबूत करना, क्या होगा, मजबूत करना। जब हम मजबूत करना कहते हैं तो इसमें से देखिए पहला क्या है, हेवी, हेवी का मतलब भारी, ये भारी मजबूत में कोई मतलब है जी, थिन, थिन का मतलब दुबला, वीक कमजोर, वीक कमजोर, और स्टर्डी माने मजबूत। तो उत्तर हमारा क्या होगा, चार नंबर बनेगा। दिल खोल कर पढ़िए, मजा ला देंगे। चलिए देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन, नाइन नंबर देखो जी, सबमिसिव, सबमिसिव। चलिए देखिए, देखिए जल्दी जल्दी देखिए, चारों ऑप्शन में सबमिसिव है, यानी विनम्र है, घरेलू है, विनम्र है, घरेलू है, तो क्या होगा, स्टूबॉर्न का मतलब जिद्दी, डोसाइल का मतलब विनम्र, ऑब्स्टिनेट माने जिद्दी, क्या ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी, और अनएल्डिंग का मतलब भी जिद्दी यानी अटल, जिद्दी यानी अटल। तो उत्तर कौन हुआ, नंबर दो हुआ, नौ सबमिसिव हो गया, डोसाइल। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दस की ओर, दसवां नंबर है एफ्लुएंट। देखिए क्या है एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब बहुत ज्यादा, अमीरी है ना, बहुतायत, धनी, एफ्लुएंट है, धनी है। अब धनी का वर्ड खोजो, बेनेवोलेंट माने परोपकारी, क्या परोपकारी धनी से मतलब है, नहीं है। सेकेंड नंबर फ्रेंडली, दोस्ताना। थर्ड नंबर बोलो वेल्दी, धनी, वेल्दी माने धनी, वेल्दी का मतलब धनी। प्रीसियस बहुमूल्य। तो इस तरह से अगर मैं उत्तर कहता हूं तो उत्तर होगा नंबर तीन, है ना, क्या होगा, एफ्लुएंट का होगा वेल्दी, यानी तीन नंबर। चलिए धीरे धीरे हमारे भी जो स्टूडेंट हैं उन्हें अब अच्छा लिखा हुआ आ रहा है, बहुत चीज हम लोग भी सीख रहे हैं, और अच्छे चीज को मैं भविष्य में और कुछ आपको देने वाला हूं, बस इंतजार करिए, और स्वस्थ हेल्दी कॉम्पिटिशन को बनाए रखिए। आप और हम एक सही मुकाम की ओर जा रहे हैं, जरूर मंजिल हमें मिलेगा। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर आपका एंटोनिम अपोजिट है। जरा ध्यान ध्यान से इसको पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे। बोल्ड है, अरे बोल्ड है तो बोल्ड माने क्या हुआ? बोल्ड माने साहसी। बोल्ड माने क्या हुआ जी? साहसी हुआ। अब साहसी का उल्टा खोजना है तो ब्रेव माने क्या हुआ? साहसी। ब्रेव का मतलब भी साहसी। ब्यूटीफुल माने सुंदर। अब ये सुंदर जो है वह पता नहीं ब्यूटीफुल है कि नहीं, ये ब्यूटीफुल है तो जरूर, ब्रेव है कि नहीं ये पता नहीं है। नेक्स्ट है वेल्दी। वेल्दी का मतलब धनी। अब जो धनी है अब वो साहसी है या नहीं ये भी पता नहीं है। लेकिन टिमिड का मतलब होता है कायर, डरपोक। क्या भाई? डरपोक या कायर। तो इसका मतलब उत्तर कौन हुआ? साहसी का उत्तर हुआ नंबर चार। हुआ साहसी का, बोल्ड का उत्तर हो गया नंबर चार। तो इस तरह से हमारे 11 का उत्तर नंबर चार, और आपके सामने आपके लिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 12वां नंबर सेट का, इस सेट का 12वां नंबर क्वेश्चन है। देखेंगे ध्यान से। जक्स्टापोज सटा सटा कर रखना। सटा सटा कर रखा हुआ, सटा सटा कर रखा हुआ। अब इससे आपके पास चार ऑप्शन है, देखें क्या क्या होगा भाई। अरे टर्मिनेट से टर्मिनेशन हुआ, टर्मिनेशन का मतलब अंत। एक पूरा सटा हुआ है तो इससे हम क्या खोजेंगे? अलग होना। सटा हुआ है तो अलग होना खोजेंगे, अंत का कोई मतलब नहीं है, यानी ये तो आपका होगा नहीं। प्रॉक्सिमिटी संभावना, प्रॉक्सिमिटी का मतलब संभावना, यह भी नहीं होगा भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। रिमोटनेस, रिमोट एरिया कहते हो ना, रिमोट एरिया माने दूर का स्थान, यानी इसका मतलब हुआ दूर, दूर हुआ, दूरस्थ जिसको कहते हो। और लास्ट है सेपरेशन, अलगाव। सेपरेशन का मतलब क्या हो गया? अलगाव। यानी मेरा उत्तर कौन सा होगा? चार नंबर होगा। सटा सटा कर रखते हो और अलग अलग रखोगे, यानी उत्तर नंबर चार होगा। ठीक है, ये 12 का उत्तर चार नंबर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ऑथेंटिक है, और ऑथेंटिक से यहां पर चार ऑप्शन है। 10 सेकेंड आपको मैं दे रहा हूं, ऑथेंटिक से 10 सेकेंड दे रहा हूं। बोलो ऑथेंटिक का मतलब वास्तविक। जब ये वास्तविक है तो इंटाइस ललचाना, फसाना, ललचाना है ना, फसाना जिसको कहते हो। लेजिटिमेट कानूनन सही है, कानूनी होना, वैध होना। फिक्सस अवास्तविक, झूठ। फिक्सस का मतलब क्या हुआ? अवास्तविक, झूठ, जिसको हम लोग कहते हो फर्जी। फर्जी अवास्तविक, फर्जी अवास्तविक। और लास्ट है डेयरिंग साहस, डेयरिंग का मतलब साहस। तो बोलो उत्तर क्या होगा? बोलो 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 जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा उत्तर। अरे भाई वास्तविक का उत्तर अवास्तविक होगा, और अवास्तविक किसमें है? तीन नंबर में है, तो हमारा उत्तर तीन नंबर बनेगा। क्या बात है यार, बड़ा शानदार है। आगे नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। जरा सा 14 नंबर से देखिए ध्यान से। पहला वर्ड है चूज करना। चूज करना माने चुनाव करना। चूज करना का मतलब चुनाव करना। अब चुनाव करने का वर्ड क्या होगा? यहां पर देखो इसका मतलब हुआ चुनाव करना। हुआ डिसलाइक माने नापसंद करना। डिसलाइक मतलब नापसंद, ठीक है। डिजायर माने इच्छा, डिजायर माने इच्छा, बहुत बढ़िया। रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार,
करना और वांट माने चाहना। तो देखो क्या है कि अब आपके पास चुनाव कर रहा है किसी चीज को, विपिन सेना को तुमने चुन लिया यानी स्वीकार कर लिया, अरे स्वीकार ना किया जी, यानी स्वीकार करना। तो स्वीकार करना का उल्टा क्या होगा? अस्वीकार। इसलिए उत्तर नंबर क्या होगा? रिजेक्शन, यानी तीन नंबर। ये मत दीजिएगा डिसलाइक। बहुत सारे बच्चों में क्या होता है कि सीधे देखा पहला नंबर डिसलाइक मार दो, पसंद का ना पसंद होगा, स्वीकार का अस्वीकार होगा, इसलिए उत्तर नंबर होगा तीन नंबर। चलो चलो, 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर 15 नंबर हो गया, 15 नंबर हो गया। फास्ट चलिए, फास्ट चलिए, 15 नंबर में चलिए। हैस्टेन करना, बढ़ा देना, तेज कर देना, बढ़ाना, तेज करना। तो बोलो, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, बोलिए चार ऑप्शन है, बोलिए चार ऑप्शन है, बोलिए चार ऑप्शन है। 10 सेकंड है, 10 सेकंड है। इंस्ट्रक्ट, निर्देश देना, इंस्ट्रक्ट का मतलब निर्देश, हाँ निर्देश देना का दो भर्ब है देना। स्लो, धीरे करना, स्लो माने धीरे करना, धीमा करना। लैक, कमी, लैक का मतलब कमी, लैक ऑफ सेंस के कारण लड़के कुछ अलग थलग चीज लिख के अपने आप को इस हमारे YouTube से बाहर हो रहे हैं, तो लैक ऑफ कॉमन सेंस कहा जाता है उसको। ऑब्स्ट्रक्ट माने बाधा, ऑब्स्ट्रक्ट माने बाधा। तो बोलो क्या होगा, बोलो बोलो उत्तर क्या होगा? अरे उत्तर अमर स्लो होगा, और क्या होगा? ये आपका उत्तर बना 2 नंबर। बस बनाते जाइए, इतने अच्छे चीजों को मैं लेकर आया हूं, तुम्हारा सपोर्ट केवल चाहिए। और करना क्या है, जो आप लोग लिखते हो चैट में थोड़ा सा संभल कर लिखिए। आप और हम अलग नहीं हैं, हमारी जो अपनी पहचान है, एक शिक्षक है, तो 100% हमारा स्थान माना जाता है भगवान से ऊपर है, यानी आपके मैं आदरणीय व्यक्ति हूं। तो मेरे सामने अगर कुछ इस तरह की बातों को लिखते हो, यानी अपने आप को नजर से गिराते हो, दूसरे के नजर से नहीं गिरते हैं। अभी हमारे इस YouTube पर कई ऐसे लड़के हैं जो राजस्थान के हैं, आपके ग्वालियर के हैं, आपके अलवर के हैं, आपके देखो लखनऊ के हैं, तो वो क्या समझेंगे, कितनी इज्जत हमें दे पाएंगे जब हमारे घर के ही लोग हमें इज्जत नहीं दे पाएंगे। तो आपकी पहचान आपकी लिखावट है, आपकी पहचान आपकी सभ्यता है, उसे बचा कर रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर से। आइए, ये क्या है जी? ईडियम एंड फ्रेज, ईडियम एंड फ्रेज है। देखो ईडियम एंड फ्रेज है, ए बर्निंग प्रॉब्लम, ए बर्निंग प्रॉब्लम। बोलो क्या क्या होगा? ए बर्निंग प्रॉब्लम यानी ऐसा समस्या जो सबका ध्यान खींचता हो, यानी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण समस्या, जिसको हम लोग कहते हैं अर्जेंट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, यानी इसको कहते हैं अत्यंत आवश्यक समस्या। बर्निंग समस्या आज का क्या है, कैसे हम पटरी पर फिर से आ जाएं और फिर से हमारा अर्थव्यवस्था बढ़िया हो जाए, तो महत्वपूर्ण भाग है ना, इसलिए होगा अर्जेंट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। आगे है, नेक्स्ट है, देखो क्या है जी? आफ्टर मच कंटेम्पलेशन, बहुत ज्यादा विवादों के बाद, द दूर टू राइवल्स, राइवल्स का मतलब विरोधी, राइवल्स का मतलब क्या हुआ? विरोधी। डिसाइडेड टू बरी द हैचेट, यानी बरी द हैचेट का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी को भूल जाना या दोस्त
बन जाना। देखो इतना सारा चीज मैंने लिख दिया, पुरानी दुश्मनी को भूल गया तो दोस्त बन गया। अब कैसा अवसर है ये आप जानिए। पहला है गो देयर ओन वे, अपने ही रास्ते पर चल जाना, कभी कभी नहीं होगा। हाइड देयर सीक्रेट्स, यानी गुप्त बातों को छुपा लेना, गुप्त है तो छुपे करेगा। डिफीट देयर इनिमीज, अपनी दुश्मनी को हरा देना, दुश्मन को नहीं दुश्मनी को हरा देना, यानी पुरानी दुश्मनी को भूल जाना, यही इसका उत्तर होगा, है ना। और गेट रिकंसाइल, रिकंसाइल का मतलब मानना, रिकंसाइल का मतलब क्या होगा, मानना, रिकंसाइल का मतलब क्या होगा जी, मानना। तो आप देखें ध्यान से इसका क्या उत्तर बनेगा, तो होगा डिफीट देयर एनिमीज, नहीं जी, इसका उत्तर लिखिएगा चार नंबर। हाँ क्या होगा, ये तो हुआ एनिमीज यानी दुश्मन को हरा देना, तो ये होगा गेट रिकंसाइल्ड का मतलब मान लेना, माने आपस में समझौता कर लेना। रिकंसाइल इसको आप कह सकते हो आपस में समझौता कर लेना, है ना। रिकंसाइल हो गया, मान लिया, इसलिए आपका ये डिफीट देयर एनिमीज ना होकर क्या बनेगा, गेट रिकंसाइल्ड, यानी मान लिया आपस ही बातों को, तो उत्तर बन गया आपका कौन सा, तो ये चार नंबर, कौन सा हुआ चार नंबर। आगे है नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। चलो भाई, एन एक्स टू ग्राइंड, अपना मतलब निकालना, क्या कहते हैं इसको, अपना मतलब निकालना, यानी पर्सनल एंड टू सर्व, अपनी क्या है, हम अपना देखेंगे दूसरे का नहीं जानते हैं, यानी नंबर तीन, ठीक है ना। तो 18 का उत्तर तीन नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास है 19 नंबर। देखिए क्या है भाई 19 नंबर, माई कुलीग मेड हिज मार्क एज अ लॉयर, मेड हिज मार्क, मेड हिज मार्क का मतलब क्या हुआ, मेड हिज मार्क का मतलब क्या हुआ, सम्मान को प्राप्त करना, क्या भाई बोलेंगे, सम्मान प्राप्त करना। माई कुलीग जो मेरे साथी है, मेड हिज मार्क, वे सम्मान को प्राप्त किए एज ए लायर, एक वकील के रूप में, एट एन अर्ली एज, अर्ली एज में ही वो वकील के रूप में बड़े सम्मानित हो गए, यानी डिस्टिंग्विश्ड हो गए, नंबर क्या होगा चार नंबर। डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, अपने आप को सम्मानित कर लिया, सम्मान को प्राप्त कर लिया, इसलिए उत्तर 19 का चार नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखें ध्यान से, देखो जी क्या बनेगा। आई एम ऑल ईयर्स टू लिसन योर स्टोरीज ऑफ शिवैलरी, क्या बनेगा जी, ऑल ईयर्स, ध्यान लगाना, इच्छुक होना, हाँ इसको कहते हैं इच्छुक होना, ध्यान से सुनना। तो बोलो उत्तर क्या बनेगा, जब ध्यान से सुनना है तो पहला वरीर माने चिंतित होना, एगर माने इच्छुक होना, है ना। क्यूरियस का मतलब जिज्ञासा, क्या हो रहा है ये जानने की इच्छा, और सस्पिशस का मतलब शंका। तो ये आपका उत्तर बना एगर होना, यानी नंबर होगा दो। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर, अब आपका लास्ट सेक्शन आ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखें पहला है, जरा ध्यान से देखिए, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, कोई व्यक्ति जैसा वह है नहीं लेकिन उसका क्या करता है, तो दिखावा करता है, जितना है नहीं उससे ज्यादा का दिखावा करता है, जितना है नहीं उससे ज्यादा का दिखावा
करना है नहीं, लेकिन उसे ज्यादा का दिखावा करता है, पाखंडी है। पाखंडी का वर्ड क्या होगा? हाइपोक्राइट, इसको कहते हैं पाखंडी। हाँ, दिखावा करना, पाखंड कर रहा है, मिमिक, मिमिक्री करना, नकल करना। कॉनेस्योर, लवर ऑफ आर्ट, कला का प्रेमी, कला का प्रेमी, जिसका आप लोग को इंग्लिश नाम लवर ऑफ आर्ट, ये ज्यादा आपको याद रहता है। अ प्रोफेट माने संत महात्मा, हाँ संत महात्मा, पैगंबर, हाँ। तो इस तरह से आपका 21 नंबर का उत्तर बन गया हमारा हाइपोक्राइट, यानी नंबर एक बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिएगा। अब ये तो तुमसे बन ही जाएगा, जो हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। ध्यान से देखिए क्या होगा। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन, यानी एक विवाह, एक विवाह क्या बनेगा? पॉलीगैमी तो बहुविवाह हो गया, एक से ज्यादा शादी सोचना भी नहीं। मोनोगैमी माने मोनो माने होता है एक, तो एक विवाह हो गया। पॉलीएंड्री बहुपति, बहुपति जैसे पांचाली है ना, और पैट्रिमोनी माने पिता की संपत्ति का मालिक, पिता की संपत्ति का मालिक, इसको कहते हैं विरासत। ठीक है भाई, पिता की संपत्ति में हमारा हक होना, यह हो गया आपका 22 का उत्तर 3 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 तेईस है, देखिए ध्यान से। द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ और लिविंग मैटर, यानी जीवित पदार्थ का अध्ययन करना। क्या बोलता है? जीवित पदार्थ का अध्ययन, हाँ। द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ और लिविंग मैटर, तो बोलो क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, ठीक है भाई। ये क्या है? जूलॉजी, जंतु विज्ञान। और साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिए भाई देखिए, अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, बुक्स ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, यानी वह किताब जिसमें नाम और पता हो, नाम पता से संबंधित पुस्तक, हाँ। तो इसका होगा डायरेक्टरी, जिसका मतलब होता है निर्देशिका, ठीक है। डायरी का मतलब दैनंदिनी, हाँ दैनंदिनी, यानी रोजाना जिस चीज में लिखते हैं उसको कहते हैं दैनंदिनी। मैनुअल माने गाइड, हाथ से जो तुम लोग काम करते हो, हाँ। कैटलॉग का मतलब विषय सूची, विषय सूची। तो इस तरह से आपके पास 24 का नंबर हो गया, कौन सा? तो हमारा 3 नंबर।
आइए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 25वां आपके पास है। कहता है एन एसोसिएट इन क्राइम, अपराध में सहयोगी, अपराध में सहयोग देने वाला, अपराध में सहयोग देने वाला, इसको कहते हैं एक कॉम्प्लीस। वर्ड होता है एक कॉम्प्लीस, जिसका नाम हुआ सह अपराधी, सह अपराधी, है ना। क्रिमिनल केवल अपराधी, फ्रेंड माने दोस्त, और एक कॉम्पेनियनमेंट यानी दोस्ती। हाँ, तो इस तरह से हमारा इस 25 का उत्तर बन गया 3 नंबर। क्या हो? सारे 25 क्वेश्चन का आपने उत्तर दे दिया, कितना आपका हुआ ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग अपने अपने स्कोर को नीचे जरूर लिखना, बना बना कर देखो और रट्टा मारो। 10वां है यानी 9 तक हो चुका है, आपका काम है यार उसे देखना। थोड़ा सा इस बात को ध्यान से रखो कि हमारे पास जो पाठ है जिसमें लिखा हुआ है हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते, यानी जिस दिन कोशिश करना छोड़ देंगे उसी दिन हार जाएंगे। मैं भी आपके लिए इतने कोशिश को कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ताकि आपका भला हो। रियली भगवान करे आप सबका भला हो और आप जो चाहें वह आपको दे, भगवान से मैं छीन कर भी आपको दिला दूंगा। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जिंदगी में जो रिवीजन है चीजों को दोहराना वो करते रहें। थैंक यू वेरी मच।